दोस्तों क्या आपको पता है विनर कैसे बनते हैं? ना ही शोहरत से, ना ही किसी धन दौलत से, ना ही किसी शॉर्टकट विचारधारा से। ये लोग अपनी मेहनत से पसीना बहाकर अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करने वाले वो पागल लोग होते हैं जिन्हें इनकी मंजिल से कोई नहीं हटा सकता। पूरी कायनात भी अगर इनका रास्ता रोकने की कोशिश करे तब भी ये लोग उनसे निपट कर अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। और फिर यंग इंडियन स्टार बॉलर जिसे इंडियन मलिंगा भी कहा जाता है, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में पैदा होने वाले फास्ट बॉलर कुलदीप सैन की, जिसने अप्रैल 2022 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना आईपीएल डेब्यू मैच खेला और इस मैच में अपने फाइनल ओवर से लोगों को अपना फैन बना दिया, जिसने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 3 रन से हराने में मदद करके राजस्थान रॉयल्स को एक हिस्टोरिकल जीत दिलाई, जिसे टीम के कोच संगाकारा ने एक बेहतरीन क्रिकेटर और फ्यूचर स्टार बॉलर बताया है। क्योंकि कुलदीप सैन फियरलेस और कंसिस्टेंटली आउट स्विंग और यॉर्कर बॉल करते हैं, जो फास्ट बॉलर का बेस्ट बॉलिंग हथियार माना जाता है। शायद इसीलिए कुलदीप सैन 146 की स्पीड से बॉलिंग करने के बावजूद अपनी टीम के बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हैं। कुलदीप सैन का क्रिकेट करियर अपने गांव में स्कूलिंग के दौरान टेनिस और रबड़ बॉल से खेलकर शुरू हुआ था और 2018 में इस क्रिकेटर ने मध्य प्रदेश के लिए अपना रणजी डेब्यू किया, जहां इन्होंने पहले ही सीजन में 25 विकेट और अब तक 14 मुकाबलों में 43 विकेट तक का सफर इस क्रिकेटर ने तगड़ा पसीना बहाकर और बहुत मेहनत से तय किया था। जेब में पैसे नहीं होने की वजह से कुलदीप के पिता ने उसे डांटा पिटा क्रिकेट खेलने के लिए मना किया और फिर आखिरकार उनके जुनून को देखते हुए स्कूलिंग के साथ साथ उन्हें खेलने के लिए सपोर्ट किया। एक ऐसे माँ बाप जिन्हें क्रिकेट कोई खास समझ नहीं आती, फिर भी उन्होंने रूखा सूखा खाकर कुलदीप को सपोर्ट किया और फिर हम्बल बैकग्राउंड बेस्ड इस क्रिकेटर की आर्थिक हालात के बारे में कोच अरिल एंथोनी को पता चला तो उन्होंने इनकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति उनके जुनून को देखते हुए उन्होंने उनकी फीस माफ कर दी और फिर कुलदीप सैन ने अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपने आप को फियरलेस, मेंटली स्ट्रांग बना दिया और फिर 2019 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2020 और विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत की, जहां उनकी बॉलिंग की लाइन लेंथ और स्पीड से इम्प्रेस होकर 2022 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 20 लाख में खरीद लिया। क्या आप सोच सकते हो जिस क्रिकेटर के घर की इनकम 10,000 रुपए महीना से ज्यादा नहीं हो, जिसके पिता रामपाल सैन आज भी अपने गांव हरिहरपुर से मध्य प्रदेश के छोटे से शहर रीवा तक 6 किलोमीटर साइकिल से चलकर नाई की दुकान चलाते हो और फिर जिन्हें 5 लोगों का पेट भरना पड़ता हो, जिस क्रिकेटर के पास अपने क्रिकेट किट तक नहीं हो, जिसका आज तक सारा खर्चा उनके कोच अरिल एंथोनी ने उठाया हो, उस घर के बेटे को एक दिन 20 लाख में क्रिकेट खेलने के लिए खरीदा जाएगा और फिर डेनिस लिली को अपना हीरो मानने वाले 25 वर्षीय कुलदीप ने अपने डेब्यू मैच के लास्ट ओवर में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मार्क स्टोइनिस जैसे खतरनाक बल्लेबाज, जो 12 बॉल पर 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, उन्हें पहली 4 बॉल में सिर्फ 1 रन देकर जीत के लिए जरूरी 15 रन बनाने से रोक दिया और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाकर टीम में ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स होने के बावजूद अपने कैप्टन के भरोसे पर खरा उतरते हुए रातों रात अपने टीम के स्टार क्रिकेटर और राजस्थान रॉयल्स के नए बॉलिंग सेंसेशन बन गए। दोस्तों लोगों को लगता है कुलदीप छा गया, मगर उन्हें ये नहीं दिखता इस एक अवसर को गोल्डन अवसर बनाने के लिए इस क्रिकेटर को 10 साल लग गए। इसे कहते हैं जुनून अपने गेम के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने करियर के लिए। और हाँ, आज भी ये क्रिकेटर अपने रूट्स को नहीं भूला है, जिसने अपने सक्सेस का सारा क्रेडिट अपने कोच अरिल एंथोनी को दिया है। अगर एंथोनी नहीं होता तो शायद आज ये क्रिकेटर भी नहीं होता, जिसने इस क्रिकेटर के लिए सब कुछ अपनी औलाद की तरह मेंटेन किया। और फिर कुलदीप ने सिर्फ मैच ही नहीं जीता, लोगों के दिलों को भी जीत लिया, जो मात्र एक शुरुआत है, जिनका असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है थोड़ी सी जमीन, सारा ही आसमान बाकी है। तो दोस्तों ये थे इंडियन यंग क्रिकेटर कुलदीप सैन। अगर आप कुलदीप के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।